सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवायफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। जबान रखते हुए हाथ छू जाए तो साहब के अरमान और जिस्म दोनों जाग जाने चाहिए। So these tawaifs are very powerful, and they have the nawabs under their thumbs. क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी नुकसान जताएंगे आप? तीर निशाने पे लगा है मेरी जान और हाथ भी। Excuse me, this is the men's room. ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहाँ देखने को नसीब होगा? दहलीज पार कर गई, दीवार पार नहीं कर पाएंगी। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिराती जाती है। शराफत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दी, अब सिर्फ बगावत हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है। एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचिए। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। ये शाही महल है और यहाँ के खुदा हम हैं। ये मलिका जान का दामन है, इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। आप इसी फव्वारे में बेजान नंगी तैरती नजर आएंगी। मोहब्बत और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती, इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। जी तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, संजय लीला भंसाली साहब की मूवी में आपको खुशाब्दीद कहते हैं और आपको बताते हैं कि इस मूवी का नाम क्या है। उसका ट्रेलर आ चुका है, आज से 3 वीक पहले इसका ट्रेलर आ चुका था, बट ये देखा जा सकता है कि ये मूवी कुछ ज़्यादा सुपर डुपर नहीं गई है, ये काफ़ी लॉस में गई है। हालाँकि आप सबको भी पता है इसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा होता है और संजय लीला भंसाली की मूवीज़ भी आपने अक्सर का देखी हैं, उनके कॉस्ट्यूम, उसका बैकग्राउंड, उसका प्रोडक्शन हाउस का खर्चा, उसके जो एक्टर्स होते हैं उनका भी शेड्यूल वगैरह आपको पता है कितना कॉस्टली पे किया जाता है। तो उस हिसाब से ये जो मूवी गई है ये इतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई है। और इसी मूवी के मुतलका मालूमात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बराए इकराम आप इस वीडियो पर बेल बटन जो बना हुआ है लाइक का उसको दबा दीजिए और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकें और नई नई वीडियोस आपको पता चल सके और जो भी मार्केट में नया ट्रेंड होता है उसके मतलब का हम वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तहकीकात के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं। तो उम्मीद है ये भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो जी इस जो वीडियो है उसका हमने थोड़ा सा ट्रेलर साथ लगा दिया था ताकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म हो सके कि इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं और कौन कौन इसमें एक्टिंग कर रहा है। और ये वीडियो असल में जैसे कि पाकिस्तान में हीरा मंडी है, इस हीरा मंडी के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है और 1990 से पीछे का जो पहले ज़माने का इलाका था, हीरा मंडी तो अब भी लाहौर में मौजूद है लेकिन जो पहले की हीरा मंडी को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। जो इनके डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इस मतलब हीरा मंडी की तस्वीर खींचने की कोशिश की है इस मूवी में कि पहले की जो औरतें हीरा मंडी में पाई जाती थी एक्चुअल उनके उनके साथ क्या होता था। तो एक्चुअल में उनके साथ इस मूवी में जो दिखाया गया है फूफी और भतीजी का एक प्रॉब्लम चल रहा होता है कि जो उसकी जो फूफो होती है उसकी वो कहती है कि मैं ही मलिका जहाँ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और जो उसकी भतीजी होती है भाई की बेटी होती है वो कहती है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो इन दोनों की लड़ाई होती है, दोनों की कश्मकश होती है और वो दोनों ही अपने सर के ऊपर ये जो हीरा मंडी का ताज रखना चाहती हैं और उसी के इर्द गिर्द ये सारी मूवी घूमती है और एंड में जीत किसको होती है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चल सकता है। और अब आपको ये बताते चलें कि आपको अगर वीडियो देखनी है तो आप कहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो पूरी नहीं आई है, ना ही आएगी और किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन्होंने नेटफ्लिक्स के ऊपर डाल दी है कुछ ही टाइम में। अभी टाइम मेंशन नहीं किया गया है, इनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से हमें नहीं आगाही हुई है
कि ये वीडियो किस दिन लग रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नेटफ्लिक्स के ऊपर ये वीडियो आ जाएगी। तो ये मूवी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं जिन जिनको ये मूवी पसंद है। तो अक्सर अवकात हमने देखा है कि ये वीडियोज अक्सर हिस्टोरिक पे होती हैं, पुराने ज़माने के जो भी मामलात होते रहे हैं, पुराने ज़माने की कहानियों के मुतलक होती हैं। इसकी बहुत सारी मूवीज़ हिट भी हुई हैं और बहुत सारी फ्लॉप्स भी हुई हैं, ये तो एक जनरल बात है। तो वीडियोस जो मूवी वगैरह बनती हैं ये हिट भी होती हैं और कुछ फ्लॉप भी चली जाती हैं, ये इनका अपने मुकद्दर की बात होती है। तो ये जो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं ये दोनों जा रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा शराब नोशी भी करते हुए इनको दिखाया गया लेडीज़ को, और वो सिगरेट भी पीती हैं और वो किसी एक का मर्डर भी कर देती हैं। बाद में उनके पास उनकी डायरी में लिखा हुआ होता है कि मैंने किस तरीके से मर्डर किया, और वो डायरी दूसरी लड़की छुपा लेती है। बाद में उसके सामने जाती है और वो बताती है कि मेरे पास तुम्हारी इसी तरीके की तस्वीरें हैं। और उस ज़माने को भी उन्होंने दिखाया गया कि जब फोटोग्राफर तस्वीर लेता था और तस्वीर खींची जाती थी, इस तरीके की ये सारी वीडियो है। आज से जो पहले ज़माना 90s का दौर था, 90s से भी पहले का जो दौर था, 1980 का जो दौर था, उस दौर को दिखाया गया है। और इन्होंने ये भी कहा जा सकता है कि जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनका कहना था कि पहले मेरी ख्वाहिश हुई थी कि फवाद खान और अदर जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार जो हैं, उनको मदु किया जाए इस मूवी में काम करने के लिए, लेकिन बहरहाल बाद में जैसे हमेशा होता रहा है कि माइंड चेंज हो जाता है। अब ये हमारे एक्टर्स की किस्मत है कि वो अच्छी मूवी में, बड़ी मूवी में काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप बताएं कि आपको ये मूवी किस तरीके की लगी है, क्या आया आपको ये ट्रेलर इनका, किस हद तक अच्छा लगा है। और अगर आपको ये वीडियो, हमारी कोशिश थोड़ी सी जो कोशिश हमने आपको बताने की कोशिश की है ये स्टोरी, तो अगर आपको ये पसंद आई है तो बराए मेहरबानी आप लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को और शेयर कर दीजिए और अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिए। और आप हमें बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं। और इस वीडियो के ऊपर लिखने को भी बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है कि लड़कियाँ लिखती हैं। और इसी के साथ हम इजाज़त अपना बहुत